सबसे मेन समस्या पार्किंग की है, जिसकी वजह से यहाँ का बाहर का कस्टमर नहीं आता है। जो लोकल कस्टमर आता है वो भी बेचारा देखता है कि मैं गाड़ी कहाँ पे लगाऊँ कहाँ पे नहीं लगाऊँ। वो पटरी वाले अगर कोई मान लो आउटसाइडर आके गाड़ी खड़ी करना भी चाहेगा ना, या मार्केट वाली भी खड़ी करने चाहेंगे, तो वो झगड़ने को तैयार रहते हैं। अब वो पार्किंग जो अगर की है वो कहाँ है, इसे सिस्टम कैसे बना हुआ है, कोई टू व्हीलर पे आता है या फोर व्हीलर पे आता है या कोई भी, भाई इतनी बड़ी डेंस पॉपुलेटेड एरिया हो गया, मार्केट में बड़ी मार्केट हो गई, कस्टमर रेगुलर आता रहता है यहाँ पर, सराउंडिंग से कस्टमर आता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पार्किंग की समस्या है। यहाँ लोग भाई जो जगह होनी चाहिए वहाँ पर क्या है, अपने हमने इनक्रोचमेंट दिया हुआ है, कोई सुनता ही नहीं, कोई समझता नहीं इस चीज़ को। पुलिस वाले भी आते चले जाते सारे के सारे, कोई सुनवाई नहीं है। ये डीडीए का मेन का नाला है, कोई कहता है डीडीए में, कोई कहता है पीडब्ल्यू में, कोई एमसीडी में, ये नाला आज तक सफाई नहीं देना बना है। सभी पार्टियों से कह के इस समस्या का समाधान कराना चाहा, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंसाफ के बाद। इस वक्त हमारी टीम मयूर विहार फेस 3 में मौजूद है, यहाँ की हम जनता से जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, और मेरे ठीक पीछे कुछ लोग मौजूद है। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन जी, ये बताएं आपके एरिया में समस्याएं क्या है? समस्या तो ट्रैफिक की मेन, मेन तो ट्रैफिक की है। आप बताएं क्या कुछ समस्याएं? समस्याएं तो सभी जगह रहती हैं, कुछ ना कुछ ट्रैफिक की भी है, पार्किंग की भी है, और नाले वालों की भी समस्या रहती है। सफाई नहीं होती तो फिर परेशानी होती है बरसात के मौसम में, बारिश के दिनों में। हाँ, बारिश के दिनों में। इस बार किसे मौका देना चाहते हैं? अब ये तो मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में। आपका नाम सर? मेरा नाम आनंद है जी। आनंद जी, ये बताएं क्या कुछ समस्या है आपके घर? मैम यहाँ पे समस्या तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन समस्या यहाँ पे पार्किंग की है। पार्किंग की सबसे मेन समस्या पार्किंग की है, जिसकी वजह से यहाँ का बाहर का कस्टमर नहीं आता है। जो लोकल कस्टमर आता है वो भी बेचारा देखता है कि मैं गाड़ी कहाँ पे लगाऊँ कहाँ पे नहीं लगाऊँ। किसी दुकानदार के आगे लगा देता तो वो कहता है कि हटाओ आगे से, क्योंकि उसकी दुकानदारी बाधित होती है। मेन समस्या तो यही है। जी सर, अपना नाम? मैंग अग्रवाल जी। मैंग जी, ये बताएं आपके इधर क्या समस्या है? क्या ये समस्या? तो यहाँ पर ट्रैफिक की है बस, और कुछ नहीं है। ट्रैफिक और पार्किंग, बाकी अगर डीडीए चाहे तो अपनी एक पर्सनल पार्किंग बना करके यहाँ पे अलॉट करवाए, तो ये है कि पब्लिक का आना जाने का रोजगार बढ़ेगा और व्यापार में प्रोग्रेस आएगी। तो आपने इस समस्या को लेकर कभी गए शासन प्रशासन के पास कि हमारे पास ये समस्याएं आ रही हैं? मैम निगम पार्षद वगैरह से बोला है दो चार बार, बाकी अभी तक तो कोई सॉल्यूशन। आपकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हो जाएगा जी। सर आप बताएं क्या कुछ समस्याएं हैं? हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, और इस कारण से कस्टमर बाजार में पूरा प्रॉपर नहीं आ पाता। हमने सभी पार्टियों से कह के इस समस्या का समाधान कराना चाहा, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। समस्या यहाँ पे सबसे जो गहरी समस्या रेहड़ी पटरी वालों की, बहुत समस्या। सबसे ज्यादा राजा तो वो समझ बैठे अपने आप को, कोई उनको हटा नहीं सकता है। यहाँ दुकान, उसके बाद पार्किंग, उसके बाद रेहड़ी, ट्रैफिक कहाँ चलेगा? कोई सुनता ही नहीं, कोई समझता नहीं इस चीज़ को। पुलिस वाले भी आते चले जाते सारे के सारे, कोई सुनवाई नहीं है। ये डीडीए का मेन का नाला है, कोई कहता है डीडीए में, कोई कहता है पीडब्ल्यू में, कोई एमसीडी में, ये नाला आज तक सफाई नहीं देना बना है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। बताइए, इतनी बड़ी मार्केट है, सब कर लिए, कुछ नहीं। एमएलए कहता क्या करूं, ये डीडी के हाथ में, वो कहता पीडब्ल्यू के हाथ में, वो कहता है, जबकि डेमोक्रेसी का मामला, और कुछ कोई आता ही नहीं कुछ सुनने के लिए। इसके लिए मेन रोड खराब नाले के सारे बन गए अंदर के, ये मेन का बनता ही नहीं कभी भी, कभी नहीं बना। कितने साल, 20 साल तो हमें होगा यहाँ पे। अच्छा, सारा भरा पड़ा है, बिल्डिंग में पानी जा रहा है। हाँ, बरसात के दिनों में तो फिर काफी कुछ होता है। कोई नहीं, बस थोड़ा सा कचरा निकाल चले जाएंगे, थोड़ा हिल जाएगा पानी, बस नमस्ते जयराम जी की, पूरा बनेगा ये, कोई बनवाते ही नहीं से। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप इस बार किसे चुनेंगे, आपको या फिर भाजपा को? तो देखो, कहना बड़ा मुश्किल है किसको चुनेंगे, ये कैसे कह सकते हैं? जो हमारे लिए काम कर देंगे उसको वोट दे देंगे हम तो। कौन आपको क्या लग रहा है, कौन काम कर? कुछ नहीं पता इसके बारे में, सब ऐसे यार, क्या पता नहीं भी दें, कुछ नहीं पता इसके बारे में अभी, टाइम पे देखते हैं। सरकार के साथ नाराजगी है? बहुत नाराजगी है, मेरे को तो बहुत नाराजगी है, इस कम से कम यहाँ के हिसाब से तो बहुत नाराजगी है। यहाँ देख, आप शाम के टाइम आओ ना, खुद देखोगे, साला रोड क्रॉस नहीं कर सकते आप, इतनी रेडियां लगती हैं यहाँ पे, और इससे आगे तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। जैसे होता है क्या है कि जैसे लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, मतलब पटरी लगा रखी है, उसके बाद पार्किंग होती है, वो पटरी वाले अगर कोई मान लो आउटसाइडर आके गाड़ी खड़ी करना भी चाहेगा ना, या मार्केट वाली खड़ी करने चाहेंगे, तो वो झगड़ने को तैयार रहते हैं। अब वो पार्किंग जो अगर की है वो कहाँ है, इसे सिस्टम कैसे बना हुआ है, कोई टू व्हीलर पे आता है या फोर व्हीलर पे आता है या कोई भी, भाई इतनी बड़ी डेंस पॉपुलेटेड एरिया हो गया,
मार्केट में बड़ी मार्केट हो गई, कस्टमर रेगुलर आता रहता है यहाँ पर, सराउंडिंग से कस्टमर आता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पार्किंग की समस्या है। यहाँ लोग बस जो जगह होनी चाहिए वहाँ पर क्या है, अपने हमने इंक्रोचमेंट दिया हुआ है, अब उससे वो किराया कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम के अंदर और पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और यहाँ पर बहुत दिक्कत पड़ेगी। सफाई का मेन मुद्दा यहाँ है, जो नाले की सफाई के बारे में बताया वो प्रॉब्लम अपने आप बन जाती है, मतलब कई लोगों से कह दिया उसके बाद भी कोई हल निकल के नहीं आया, कोई निकल के नहीं। इसके अलावा क्या कुछ समस्याएं हैं? देखो मेनली मार्केट से रिलेटेड बात करें और जो रेजिडेंशियल यहाँ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मेन तो सफाई से रिलेटेड ही बात होती है कि हाँ जो आदमी रह रहा है उसको, जो यहाँ कोई मकान में रह रहा है उसको गाड़ी पार्क करनी है, वो गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? अगर वो सामने पार्क करता है तो दुकानदार झगड़ा करता है, पटरी वाला झगड़ा करता है, तो वो एक छोटी छोटी बातों के लिए ना रोज का एक आर्गूमेंट बन जाता है मार्केट में, तो उसको अगर प्रॉपर तरीके से रखा जाए, पब्लिक के लिए बनाया जाए, तो वो अपने आप में सिस्टमेटिक हो जाएगा।